हरदा भाजपा के संगठन पर्व पर किसान मेरा गौरव अभियान कार्यक्रम को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी मंगलवार को खिरक्रिया नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके पश्चात पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं कृषि मंत्री कमल पटेल के नेतृत्व में मध्य प्रदेश खेती के क्षेत्र के समूचे देश में उभर रहा है। खेती के क्षेत्र माने नवाचार हो रहा है। किसानों की आवश्यकताओं की सरकार द्वारा पूर्ति की जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को उनकी भूमि का हक देकर व किसान सम्मान निधि देकर किसानों को स्थायी आय दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में बीमा राशि शेष है, जिस पर पुनर्विचार करते हुए 350 करोड़ रुपए बजट के साथ स्वीकृत होगा, जो वंचित किसानों को प्रदान की जाएगी। किसानों का सम्मान लौटाएंगे, खाद की परेशानी आ पर उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व से आकलन करती है। इस बार बारिश जल्दी होने के कारण बोवनी जल्दी हुई थी, जिससे कुछ परेशानी आई थी, लेकिन उसे जल्द ही नियंत्रित कर लिया था। आगे भी किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। किसानों को बिजली पानी और मूल्य की नीतियों को लेकर परिवर्तन कर रही है, जिसको किसान हितैषी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार किसान मोर्चा को ग्राम स्तर तक पहुंचाएंगे। मंडल की कार्यकारिणी बनाई जा चुकी है। हरदा से अंकुश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। 20,000 कार्यकर्ता एक दिन में एक साथ 10 दिन के लिए निकलने वाले, और ये भारत में विश्व का सबसे बड़ा अभियान, मैं इसको कहूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उस कैडर बेस के कारण है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, यह हमारा संगठन पर्व है। इस संगठन पर्व को किसान मोर्चा भी अपनी पूरी हिस्सेदारी निभाते हुए, अपने तन मन धन से हर प्रकार का सहयोग करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी की आवाज को बुलंद करें।